सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किया था 7.1 पूरी हो रखी है, ठीक है। अब जो हमारे पास आगे है वो 7.2 है। सुनो भाई, 7.2 करने से पहले तुम्हें कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए। और भाई 7.2 में जो एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, हमें वो पूरा पूरा फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को उस फॉर्मूले के अंदर दिक्कत आती है तो भाई मान लो तुम्हारा जो 7.2 है पूरी की पूरी तुम्हारी छूटेगी, ठीक। इसीलिए सबसे पहले हम समझेंगे मेरे पास जो फॉर्मूला है वो यूज कहाँ पे होता है, ठीक। मैं तुमसे जैसे मान लो एक तुम्हें एग्जाम्पल करवा रहा हूँ उस फॉर्मूले को समझाने के लिए, ठीक है। सुन जाओ भाई, उस फॉर्मूले को समझाने के लिए एग्जाम्पल मेरे पास सिक्स है। सुनो यहाँ पे देखो, हमारे पास भाई है क्या कि अगर तुम्हें उस फॉर्मूले को समझना है, एग्जाम्पल सिक्स की हेल्प से समझा रहा हूँ, ठीक। मेरे पास भाई है क्या, पहले देखो हम उस फॉर्मूले को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। हम उसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र बोलते हैं इसको। भाई समझो, मेरे पास ये चीज है क्या, मान लो मेरे पास पॉइंट ए ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, इसे बोलते हैं ए। मेरे पास अगला ये है बी, ठीक। जो ए और बी है मेरे पास, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स वन और वाई वन होगा, और यहाँ पे एक्स टू और वाई टू होगा, ठीक है। ये बातें सबको पता है। तो अगर मैं तुमसे बोल दूं कि भाई ये जो मेरे पास बीच की लाइन है, ठीक, इस लाइन को तुम डिवाइड कर दो इस रेशियो में, मतलब कि ना आधा आधा बांट दो, 1:1 का मतलब क्या है, इसको आधा आधा बांट दो, ठीक है। तो इसको बांटने के लिए जब मैं बांटूंगा तो कहीं ना कहीं काटना पड़ेगा ना, तो जहां पे काटूंगा वहां का मतलब वहां का कोऑर्डिनेट क्या है, वहां के निर्देशांक कुछ ना कुछ तो होंगे, एक्स और वाई, बात समझ आ रही है। तो जहां पे मैं इस लाइन को काटता हूँ वहां मेरे पास क्या है, वन, और वन के रेशियो में काट रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसको किसी भी रेशियो में डिवाइड हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और वाई की वैल्यू। एक्स कैसे निकालेंगे भाई, एक्स टू, अच्छा जो रेशियो इसको हम बोलते हैं एम वन, इसको एम टू, ठीक है। तो मेरे पास क्या है भाई, एक्स इज इक्वल टू एक्स टू इंटू में एम वन प्लस एक्स वन और इंटू में एम टू, इसको डिवाइड कर दो एम वन प्लस एम टू से, ठीक है। ये मेरे पास एक्स का फॉर्मूला है। और अगर दूसरी बात कर दे वाई का फॉर्मूला, देखो एक्स की वैल्यू तो मैं इससे निकालनी है और जो वाई की वैल्यू है वो इससे निकलेगा। तो वाई मेरे पास क्या है भाई, वाई टू एम वन और वाई वन एम टू अपॉन में एम वन प्लस एम टू, ठीक है। बात समझ आ रही है भाई, सुनो। अच्छा हाँ हाँ भाई सुनो भाई, मैंने क्या बोला, मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें ध्यान रख के चलनी है फॉर्मूला। अगर तुम्हें इसको याद करना है तो फॉर्मूला तुम याद कैसे करते हो, सबसे बड़ी बात यहाँ पड़ती है, ठीक है। मैं तुमसे बोल दूँ, अगर एक्स टू है तो एम वन होगा, ठीक, और एक्स वन है तो एम टू होगा। इन बातों को याद रख के चलो, एक के साथ दो, दो के साथ एक, ऐसा होता है, ठीक है। तो मेरे पास के नीचे फिर वो डिवाइड में दोनों को ऐड करके लिखना होता है। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही भाई, यहां से हमें क्या है कि इस फॉर्मूले को सीखना होता है, ठीक है। ये बातें पता लगी। अब सुनो भाई, एग्जाम्पल जो सिक्स है, एग्जाम्पल सिक्स को जो सिक्स है वो तो मैं समझा रहा हूँ कि एग्जाम्पल सिक्स में हमसे क्या कह रहा है, जब तो छापो से। सुनो भाई, जो एग्जाम्पल सिक्स है उसके अंदर उसने बता रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या करना भाई, हमें एक बिंदु है उसके निर्देशांक ज्ञात करने, मतलब कि ऐसा कोई पॉइंट निकालना है जो बिंदु 4 और -3, मेरे पास एक बिंदु है भाई इसी पे ले रहा हूं मैं, ठीक है। पहले मेरे पास है 4 और -3, और फिर जो मेरे पास दूसरा है 8 और 5, 8 और 5, ठीक, 8 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड, भाई इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3, मतलब कि 3:1 में बांटती है, 3:1 में वो डिस्क को डिवाइड करती है। तो देखो भाई, हमें क्या निकालना है, एक कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसके निर्देशांक निकालने हैं। कैसे करेंगे ये समझो। अब भाई जो इंग्लिश में लाइन मेरे पास क्या लिखी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब ये है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कौन से पॉइंट का, विच डिवाइड्स द लाइन, भाई इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, विच डिवाइड्स द लाइन, ठीक है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4-3 एंड 8-5, 4-3 और जो 8-5 है, इस लाइन को
जो पॉइंट हमारी काट रही है ना उसका कोऑर्डिनेट निकाल दो, ठीक। और कौन से रेशियो पे काट रही है भाई, 3:1 पे काट रही है, ठीक है। हमें कह रहे इन द रेशियो ऑफ 3:1, बताओ इसमें किसी दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखो इधर, बस तुम्हें एक्स और वाई निकाल लाना चाहिए। मैंने क्या माना है इसको, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ठीक है। ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, एक्स वन वाई वन, ये मेरे पास क्या है, एक्स टू और वाई टू। सबसे पहले हमारे पास पहला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक। पहले हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू, सब थोड़ा फोकस करो, बस अब वैल्यू पुट करनी है। एक्स टू कितना भाई, 8, और एक्स वन कितना है, एक मिनट, एक्स टू और एम वन, एम वन कितना है, 3 है, प्लस फिर मेरे पास क्या भाई, एक्स वन, एक्स वन मेरे पास 4 है, और एम टू कितना है, एम टू 1 है, और नीचे एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू, तो 3+1 कितना आ रहा भाई, देखो यहाँ पे 4 8 24, 4 × 4 और बटे में यहाँ पे 4, तो इसे डिवाइड करेंगे कितना मेरे पास, 28/4 आ रहा है, आंसर 7। बस ना रही है मेरे पास x की वैल्यू क्या निकल के आई, 7 क्या, हाँ डिवाइड, डिवाइड करना होता है, इन दोनों को ऐड किया है फिर इसको डिवाइड किया, इससे ऊपर के नंबर को अंदर रखते हैं, नीचे के नंबर को बाहर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास सुनो भाई, इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं, वाई टू कितना है मेरे पास, वाई टू 5, वाई टू 5 है, और कितना मेरे पास फिर एम वन, एम वन कितना है, 3 है, प्लस फिर क्या मेरे पास भाई अगला, वाई वन, वाई वन मेरे पास माइनस का 3 है, और फिर क्या एम टू, एम टू मेरे पास 1 है, और नीचे एम वन प्लस एम टू, 3+1, ठीक है। तो भाई 5 × 3 = 15 प्लस और माइनस का 3 है, क्योंकि 3 × 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ मेरे पास क्या माइनस का आएगा, 15 − 3/4, तो क्या लिखूंगा भाई, 12/4 आ रहा है, ये तो आएगा, तो आंसर मेरे पास आ गया 3। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, जो एक्स की जगह पे 7 है, वाई की जगह पे 3, तो ये मेरा आंसर है। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को, 7 और 3 ये तुम्हारा आंसर है, बताओ। अगर इन बातों में किसी को दिक्कत आ रही तो, अटक रहा है इसके अंदर कोई, अगले पे आ जाओ भाई। सुनो सबको पहले करना आ गया, अब मैं भाई अब हम चलते हैं इससे थोड़ा उल्टा। पहले इसमें किसी को दिक्कत था भाई, इसमें पक्का दिक्कत नहीं है किसी को, अब हम इससे ठीक उल्टा जा रहे हैं, ठीक। उल्टा अगर मैं बोलना चाहूँ तो भाई एक्चुअल में है क्या, सुनो एग्जाम्पल नंबर 7th है, सब थोड़ा फोकस करो। एग्जाम्पल 7th में क्या है भाई, देखो जैसे पहले समझो, अभी मेरे पास क्या था, इस टाइम जो मेरे पास था रेशियो था और मैंने इसको निकाला, ऐसा है ना। अब मेरे पास ये होगा और हमें रेशियो निकालना है, ठीक। पहले मेरे पास क्या था भाई, जो मैंने ये वाला क्वेश्चन किया, एग्जाम्पल नंबर जो मेरे पास 6 है, एग्जाम्पल 6 में क्या हुआ, मेरे पास जो पॉइंट थे वो दे रखे थे, रेशियो मेरे पास था, मैंने इस पॉइंट को निकाल दिया, ठीक है। अब जो इसका जस्ट उल्टा होगा, मेरे पास ये दे रखा होगा और हमें इसको निकालना है, ठीक है। सुनो सब निकाल लो भाई, जो तुम्हारे पास है एग्जाम्पल नंबर, जो तुम्हारे पास अगला है एग्जाम्पल नंबर 7th, क्या फोकस करो सब, जो मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 7th है उसमें कह रहा है कि बिंदु -4 और 6 और कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं बिंदु -4 और 6 बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। उसने क्या बोला, जो मेरे पास से बिंदु है -4 और 6 ए और बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। एग्जाम्पल तुम्हारे पास 7th है, ठीक है, एक तुम्हारा पॉइंट ए है, ठीक, दूसरा पॉइंट तुम्हारे पास बी है, बात तुम्हारी है, एक पॉइंट ए दूसरा मेरे पास का भी बी पॉइंट है, तो जो ए पॉइंट है उसका बता रखा है उसने, पॉइंट ए मेरे पास माइनस का 4 और 6, पॉइंट ए का है माइनस का 6 और 10, माइनस का 6 और 10 है, और जो पॉइंट बी है वो मेरे पास क्या भाई, 3 और -8, जो पॉइंट बी है वह 3 और -8 है, इस तरीके से, ठीक है। फिर भाई अब बोल रहा है कि अगर इन दोनों को जोड़ने वाला जो एक मेरे पास का कोऑर्डिनेट है, इन दोनों लाइन को जोड़ने वाला मेरे पास पॉइंट है, ठीक, ये रहा
और उस पॉइंट का उसने बता रखा है मेरे पास माइनस का 4 और 6, माइनस का 4 और 6 ये बता रखा है, ठीक है। इसमें दिक्कत है किसी को? भाई इंग्लिश के अंदर लाइन पढ़ रहा हूँ, कह रहा है इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में डज द पॉइंट -6 और 4, माइनस का 6 और 4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। क्वेश्चन मेरे पास सिंपल सा हुआ है कि ए और बी मेरे पास एक लाइन है, ठीक, इन दोनों को जोड़ने वाला पॉइंट ये है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने वाला पॉइंट मेरे पास ये है। भाई देखो जो तुम दोनों को थोड़ा बहुत बहुत कम समझ में आएगा वाला, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा बिल्कुल छुआ नहीं है अभी, ठीक है। सुनो ए और बी मेरे पास है, तो जो मेरे पास ये वाला पॉइंट है, अब पूछ रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कभी भी तुम्हें रेशियो निकालना होता है ना, करना क्या होता है, कोई बताएगा क्या करना होता है? हाँ भाई, अगर रेशियो निकालना होता है कोई बताएगा करना होता है? और भाई रवि किशन वा क्या भैया, अगर रेशियो निकालना है क्या करते हैं? पता नहीं, अभी रुक जा भाई, यहाँ सुनो, के रेशियो 1, ठीक है, क्या करेंगे इसे, के रेशियो, वैसे किसने बोला ये, तुमने, रितिका ने, चलो हाँ वो इतना तो मुझे पता ही था। सुनो भाई यहाँ देखो, हम क्या मानते हैं इसको, के रेशियो 1 मानते हैं, कभी भी ऐसा आ जाए क्या मानोगे, के रेशियो 1, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? अब सुनो, या तुम x वाला फॉर्मूला सॉल्व कर दो या फिर y वाला फॉर्मूला सॉल्व कर दो, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, समझे कुछ? एक मेरे पास x वाला फॉर्मूला होता है, दूसरा y वाला फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले होते हैं ना, तुम दोनों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला सॉल्व कर दो, ठीक, मैं x वाले फॉर्मूले को सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। हमें रेशियो निकालना है ना, हमें निकालना है m1 और m2, ये क्या है मेरे पास, अभी अभी हमने m1 और m2 को ये मान रखा है। यहाँ सुनो, मैंने क्या बोला, m1 और m2 को हमने ये माना हुआ है, तो सॉल्व करते हैं इसे, ये बातें पता लग रही सबको, ये दो पॉइंट है, हम x वाले फॉर्मूले को लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू x2 m1 x1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो भाई अगर हम यहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है, तो क्या करना है हमें, सबसे पहला हमें बता रहा m1 m2 क्या है, अभी पता लग रहा है m1 m2 क्या माना है, जब तुम्हें अनुपात निकालना होता है, जब तुम्हें रेशियो निकालना होता है, तो m1 और m2 को हमें मान के चलना होता है, क्या माना हमने, के रेशियो 1 माना है। तो भाई x की वैल्यू कितनी है, -4, तो लिखा पहले मैंने -4 इज इक्वल टू, अच्छा ये मेरे पास x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है, x1 y1 x2 और y2 है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे, मैंने x की वैल्यू ले ली यहाँ पे, x2 कितना है मेरे पास 3, ठीक, m1 कितना है भाई k 6, कौन बोला भाई, m1 की जगह k, m2 की जगह 1, ठीक है, ये लेके चलना है, समझे। फिर क्या होना, 3 × k प्लस फिर लेना x1 कितना है, माइनस का 6, तो जब भी माइनस का ब्रैकेट में डालो। फिर m2 कितना है भाई, 1 है, तो m2 को 1 लिख दिया। नीचे m1 प्लस m2 k और प्लस 1, m1 मेरे पास क्या है, k है, और m2 क्या है, 1 है। अब सुनो यहाँ पे, -4 इज इक्वल टू 3k प्लस, ये मेरे पास माइनस का 6 × 6 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे मेरे पास वही k प्लस 1, तो प्लस का है और ये माइनस का है, 3k और -6 है, अपॉन में k प्लस 1। इतनी बात सुना रही है यहाँ पे भाई, देखो जिसको नहीं आ रहा ना, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करेगा, वो हो जाएंगे, ठीक है, अभी थोड़ा बहुत क्वेश्चन दूंगा मैं करने के लिए, उसे तुम करोगे घर पे बैठ के, आसानी से हो जाएगा। पहले सबको पहला फॉर्मूला पता लगा, ये क्वेश्चन के अंदर है भाई, हमारे पास इसी का तो फॉर्मूला बनता है ना, ठीक है। सुनो, तो मैंने क्या बोला, मेरे पास माइनस का 4 यहाँ पे डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस का 4 के प्लस 1 इज इक्वल टू 3k और माइनस का 6 है, ठीक है, ये वाली बातें पता लग रही है। अब भाई मैं तुम्हें एक बात बताइए, हमेशा हम जब भी मैथ्स पढ़ते हैं क्या करते हैं, सारे के सारे जो नंबर है, जो कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, मतलब कि जो जितने भी गिनती वगैरह होते हैं उसको एक तरफ कर दो, और जो तुम्हारे पास ABCD का वर्ड है उसको एक तरफ कर दो, पहले सॉल्व करते हैं। कभी तुम्हारे पास ऐसा दिख जाए तो इसको तुम्हें एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको एक बार इससे,
तो 4 माइनस का 4k, ठीक है। और देखो ये प्लस का था, ये माइनस का था, इसलिए माइनस का 4k आया। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसलिए माइनस का 4 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, प्लस माइनस का रूल है। फिर मेरे पास यहाँ पे 3k और माइनस का 6। अब थोड़ा सा और आगे भाई क्वेश्चन एंड है यहाँ पे। नंबर एक तरफ कर दो, देखो ये मेरे पास एबीसीडी वाला है, इस साइड प्लस है, इधर जाके माइनस, माइनस का 4k, ये प्लस का है, इधर आके माइनस 3k। और भाई यहाँ देखो मेरे पास पहले से माइनस का 6 है, ये मेरे पास माइनस का है, इधर आके प्लस का आ जाएगा। ये दोनों मेरे पास देखो, मेरे पास ये दोनों ऐड होते हैं। सबको वाला रूल याद है, मैं कभी ऐसा बोल दूं कि बच्चों प्लस का 2 प्लस का 3 कितना आता है, प्लस का 5 आएगा, ठीक है। मैं बस बोल दूं माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5। जब मेरे पास सेम साइन होते हैं ना, जब मेरे पास साइन जो है सेम होते हैं, ठीक, तब क्या करते हैं भाई, नंबर ऐड होता है और वही साइन लगता है। मेरे पास ये माइनस माइनस का है, ऐड होके वही साइन लग गया। लेकिन अगर साइन अलग अलग है, मेरे पास मान लो 2 है और माइनस का 2 और प्लस का 5 है, यहाँ पे कैसे करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, जो बड़े के आगे साइन है वो लगता है। तो 5 में से 2 क्या तो 3, और बड़े का प्लस का साइन है, प्लस को लगाते नहीं वैसे, ठीक है। और अगर उल्टा होता, मान लो 5 माइनस का 9 है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक, फिर दोबारा मेरे पास बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, कितना 4 आ रहा है, जो बड़े के आगे साइन लगा दो माइनस का 4। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को, ये तो भाई नॉर्मल सी बात है। सुनो भाई यहाँ फोकस करो, मेरे पास माइनस का 7k इज इक्वल टू माइनस का 2 आएगा, बड़े में छोटा माइनस किया, जो बड़े के साइन लगा दिया। जब दोनों तरफ तुम्हारे पास सेम साइन होते हैं, तुम्हारा साइन से साइन कट जाता है। जब तुम्हारे पास दोनों तरफ सेम साइन होंगे, साइन साइन कटेगा, तो क्या बचा मेरे पास, 7k इज इक्वल टू 2, 7 मल्टीप्लाई में उस जाके डिवाइड में, तो k इज इक्वल टू 2/7, ये तुम्हारा आंसर है। इसको लिखेंगे 2:7, तुम्हारा आंसर क्या भाई, 2:7, ये तुम्हारा आंसर है। बोलो इस बात में किसको दिक्कत है, किसी को पूछ रहा है इसके अंदर कुछ? हाँ भाई, ठीक है आगे देखते हैं इसके। सुबह लिखा होता देख लो किसी मुझे, सबका इतना हो गया। अब भाई तुम्हें ना देखो, जिसका नहीं थोड़ा छापो स्पीड में, कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो अगले एग्जाम्पल को समझने से पहले कुछ बातें समझनी है, वो बातें समझो। मेरे पास पहला होता है बाइसेक्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं सम द्विभाजित, ठीक है। इसका मतलब है किसी भी एक चीज को बराबर दो भागों में बांटना। क्या इसका मतलब, किसी भी एक चीज को बराबर दो भागों में, मतलब इक्वल टू पार्ट्स, इक्वल टू पार्ट्स, बराबर दो भाग, बराबर दो भाग, ठीक है। अगला मेरे पास है ट्राइसेक्ट, समत्रिभाजित, समत्रिभाजित। भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है इक्वल थ्री पार्ट्स, इक्वल थ्री पार्ट्स, बराबर तीन भाग। हाँ भाई ये तो मैं बातें पता लग रही, क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले तो मैं ये वाली बातें पता होनी चाहिए कि मेरे पास बाइसेक्ट समद्विभाजित कभी लिखा आ जाए तो किसी भी चीज को बराबर दो भागों में बांटनी है। और अगर तुम्हारे पास ट्राइसेक्ट लिखा आ जाए समत्रिभाजित, मतलब किसी भी चीज को बराबर तीन भागों में बांटनी है, ठीक है। जिसको भाई पहले से पता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है, जो मतलब कि थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देता है। भाई एक बार आ जाओ हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 8 है। मेरे पास एग्जाम्पल नंबर जो 8 है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। भाई ट्राइसेक्ट या फिर ट्राइसेक्शन, बात वही पड़ती है, ठीक है। अब ट्राइसेक्शन और ब्रैकेट वाला इग्नोर मारो, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी। मेरे पास सुनो, जो एग्जाम्पल नंबर 8वां है, एग्जाम्पल 8वां है, उसके अंदर बता रखा है मेरे पास एक पॉइंट है ए, ठीक है। अगला पॉइंट मेरे पास है बी। इन लाइन को जोड़ने वाली मेरे पास क्या है भाई, दो पॉइंट है, ए और बी को जोड़ने के लिए दो पॉइंट है, 2 - 2, 2 - 2, ठीक। और उसके बाद क्या है, -7 एंड 4,
माइनस सेवन एंड फोर है, ये वाली बातें पता लगी क्या बोल रहा हूं मैं? मेरे पास दो पॉइंट है, अब इसको तीन बराबर पार्टों में बांटना है, ठीक है, तीन इक्वल पार्ट्स में बांटना है। और देखो भाई, अगर मैं इसमें हिंदी में बोल दूं तो भाई हिंदी में मेरे पास है, कह रहे बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताओ, ठीक है। कह रहे दो कोई से ऐसे पॉइंट है जो इस लाइन को बराबर तीन भाग में बांट रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा आ जाए ना, तो एक एरा एक एरा, एक दो तीन, इस लाइन को तीन पार्ट में बांट दिया मैंने, इस लाइन को मैंने तीन पार्ट में बांट दिया, तो मेरे पास इसका आएगा एक एक एक, मैंने रेशियो बना दिया इसका। अच्छा, अगर लिखा होता मेरे पास बाइसेक्ट समद्विभाजित तो क्या होता, मेरे पास यहां पॉइंट होता ए पॉइंट, यहां पे बी पॉइंट, इसको बस बीच से काट दे, ये वन रेशियो वन, बस तुम्हें इसका एक्स और वाई बताना था, समझे। अगर तुम्हारे पास ऐसा होता तो बोलता तुम्हारे पास समद्विभाजित, तो उस केस में तुम्हें ये चीजें करनी थी, समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ भाई, इसमें कोई अटकती ना कहीं पे, इसमें दिक्कत किसको आ रही हो बताओ, सबको ठीक ठाक है इसमें? अब सुनो भाई, अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं तो क्या बता रहा हूं मैं, हम इस वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, मुझे एक पॉइंट यहां पे निकालना है। हाँ भाई, पता लग रहा सबको, एक पॉइंट मेरा यहां निकलेगा, दूसरा पॉइंट यहां पे निकलेगा, तो यहां पे भी मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू होगी, और यहां पे भी, समझ रहे हो, मेरे पास एक्स एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू यहां पे है, ठीक है। सेम तरीके से एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू यहां पे भी है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को, एक्स वाई एक्स वाई दोनों को निकालना है। लेकिन हम भाई सबको फॉर्मूला आता नहीं वाला, हम करेंगे कैसे ये चीज समझो, या देखो इसका एक्स वाई और इसका एक्स वाई, इसको करने के लिए सबसे पहले चीज मेरे पास ये पॉइंट दिख रहा है पहला, तुम्हें इसके इधर देखना है, इस लाइन के इधर एक है ना, एक लिख दो, इसके इधर कितने है? दो, दो नंबर है ना, एक ये रहा एक ये रहा, लिख दिया, तो तुम्हारा इसका रेशियो आ गया ये रहा, एक्स वन वाई वन तुम्हारा ये रहेगा, एक्स वन वाई वन और तुम्हारा एक्स टू वाई टू, ये तुम्हारा वही रहेगा, ठीक है। अब इस वाले का देखते हैं, इसके इधर एक है तो इसके इधर एक लिख दिया, इसके इधर इस लाइन के इधर दो है, दो लिख दिया, तो इसका मेरे पास ये आ रहा है, इसमें दिक्कत है किसी को? हाँ भाई, ये वाली बात है पता लगी, करो इसे।